हेलो दोस्तों, मैं मधुर अग्रवाल tradersonline.com चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा ये जो वीडियो है, ये मैं मेरे किसान भाइयों के लिए है। मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। मेरे किसान भाई, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना कष्ट करते हो और उसके बाद में आपने आपका पूरा अन्न जो है वो रोड पर बहा दिया। आपने हज़ारों लीटर गौ माता का दूध आपने रोड पे बहा दिया। नहीं 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 नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये आप कर सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है, ये इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र ज़रूर है। मैं ये नहीं कहता कि ये कौन सी पार्टी क्या है, मुझे ये भी पता नहीं कि इसके पीछे षड्यंत्र भी है या नहीं है, लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि आपकी ऐसे जो मेहनत की जो फसल है, ये आप रोड पर नहीं डाल सकते हो। अब गौ माता का जो दूध है वो ऐसे रोड पे नहीं बहा सकते। मेरे किसान भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो और उसके बाद में आपने आपकी पूरा फसल आपने रोड पे बहा दी, ये हो कैसे सकता है? मैं ये चीज़ें देख के हैरान हूँ। हाँ, भारत का संविधान ये कहता है आप आंदोलन करिए, आंदोलन करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा हिंसक आंदोलन करके मिलेगा? और मेरे किसान भाई, मुझे एक चीज़ ऐसा लगता है कि अगर आपको तकलीफ होती है, ये सिर्फ तकलीफ आपकी नहीं है, ये तकलीफ हमारी भी है, क्योंकि हम लोगों ने आपको अन्न देवता कहा है। और जब अन्न देवता को प्रॉब्लम होती है तो ये हम लोगों के भगवान को तकलीफ हो रही है, और हम कोई ये नहीं चाहता कि हमारे भगवान को ऐसी तकलीफ हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ऐसे हिंसक आंदोलन मत करिए। आपको आपका बाज़ार मूल्य का भाव मिलना चाहिए, ये चीज़ हम भी मानते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आपको आपका बाज़ार मूल्य मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल मंडी लेके आई है, जहाँ पर जो आप जो मीडिएटर्स जो रहते हैं, ये गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया और डायरेक्टली आप उसे डायरेक्ट आप मंडी के अंदर सामान बेच सकते हो। अगर आपकी फसल का नुकसान होता है तो गवर्नमेंट ने किसान बीमा योजना निकाली है, जहाँ पर आपको आपकी फसल का मूल्य मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट भी यही चाहती है। क्या ये कर्ज़ माफ़ी से बड़ी चीज़ नहीं है? उसके बाद में ये सब तो ठीक है, जो धन के जो कुबेर थे, जिनके पास में काला पैसा था, गवर्नमेंट ने उनसे पैसा लेके किसान के लिए लगाया है, कृषि कल्याण के लिए। क्या ये किसानों के लिए नहीं है? मेरे जो अपोजिशन पार्टी वालों, मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ, आप क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हो? आप क्यों उनके मेहनत के साथ में खेल रहे हो? आपके पास में मुद्दे नहीं है तो आप प्लीज़ किसानों के साथ मत खेलिए, ये उनकी मेहनत की कमाई है, आप दूसरे मुद्दे ढूंढिए। क्योंकि यहाँ पर किसान को अब मानसून का टाइम है, यहाँ पर जो वो साल भर जो मेहनत करता है, यहाँ पर उसे उसके चीज़ों का, उसके फसल का अब वैल्यू मिलने वाला है। आप उसे ऐसे गुमराह करके आप प्लीज़ उसके साथ मत खेलिए। जय हिंद।